अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मनान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑटोकार पी के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले लोग होंगे खैर वाफियत से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद चंद ऐसी जैपनीज़ गाड़ियाँ जो कि आप 25 से 30 लाख रुपये तक के बजट के अंदर अंदर ख़रीद सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की वीडियो है ये इन भाई की फरमाइश पर बताई जा रही है, इनका नाम मुझे पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आपने मेरे कंटेंट को पसंद किया और आपने मेरे कंटेंट को इस काबिल समझा कि इसे पसंद करना चाहिए। तो बस मुझे आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत है, इसी तरह से आप सभी लोग मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें। और मेरा भी आप सभी से वादा है कि मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ फ्यूचर में भी लेकर आता रहूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैंने इस लिस्ट में अपनी जो गाड़ी शामिल की है वो है टोयोटा एक्वा हाइब्रिड। टोयोटा एक्वा हाइब्रिड का पाकिस्तानी मार्केट में 25 से 27 लाख रुपए तक के बजट के अंदर अंदर 2015 या फिर 2016 वाला मॉडल खरीद सकते हैं। और 2016 में इस गाड़ी में एक फेसलिफ्ट को मुतारिफ करवाया गया था जिसमें कुछ माइनर सी कॉस्मेटिक चेंजेस की गई थी। तो अगर आप वो फेसलिफ्ट वाला मॉडल लेते हैं, वो भी पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है, तो वो आपको 2016 या फिर 2017 वाला मॉडल 28 से 30 लाख रुपये तक के बजट के अंदर अंदर मिल सकता है। गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का, यानी कि 1500 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और जैसा कि एक हाइब्रिड गाड़ी है तो इस इंजन के साथ आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल जाती है। और ये जो इंजन है ये मोटर के साथ मिलकर टोटल 100 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के साथ गाड़ी को चलाने के लिए आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में अगर बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 22 से लेकर 25 किलोमीटर्स पर डीटर तक के दरमियान फ्यूल एवरेज बहुत ही इजीली प्रोवाइड कर सकती है, वो भी शहर के अंदर। अब अगली जो गाड़ी इस लिस्ट में मैंने शामिल की है वो है टोयोटा फील्डर, और ये गाड़ी भी हाइब्रिड है। इस गाड़ी का आप पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2015 या फिर 2016 वाला मॉडल खरीद सकते हैं, जो न्यू वाला शेप है वो जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इस गाड़ी में भी आपको टोयोटा एक्वा की तरह 1.5 लीटर का इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, और ये इंजन भी मोटर के साथ मिलकर 110 हॉर्स पावर और 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इस गाड़ी में भी इस इंजन के साथ आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज के बारे में बात की जाए तो जैसा कि एक हाइब्रिड गाड़ी है तो ये गाड़ी भी आपको शहर के अंदर 20 से 25 किलोमीटर तक के दरमियान का फ्यूल एवरेज बहुत ही ईजिली प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी का मैं एक फुल डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर जो एक व्हाइट कलर का पॉपअप मेन्यू निकल कर आया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। अब अगली जो गाड़ी इस लिस्ट में मैंने शामिल की है वो है टोयोटा एक्सियो। इस गाड़ी का आप आज पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2014 या फिर 2015 वाला मॉडल बहुत ही ईजिली खरीद सकते हैं। और इस गाड़ी में भी आपको जो इंजन मिलता है वो भी है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, जो कि तकरीबन 140 BHP ऑफ पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। और इस इंजन के साथ भी आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। फ्यूल एवरेज के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि एक बड़ी गाड़ी है तो इस गाड़ी का फ्यूल एवरेज थोड़ा सा कम है, जो कि है 18 से 20 किलोमीटर्स पर लीटर तक। और इस गाड़ी पर भी मैं एक डिटेल रिव्यू बना चुका हूँ, अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक करें। अब अगली जो गाड़ी इस लिस्ट में मैंने शामिल की है वो है टोयोटा प्रियस हाइब्रिड। इस गाड़ी का पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2012 या फिर 2013 वाला मॉडल खरीद सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.8 लीटर का, यानी कि 1800 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। ये वाला भी है क्योंकि ये भी एक हाइब्रिड गाड़ी है, तो ये इंजन मोटर के साथ मिलकर 134 हॉर्स पावर और 142 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस गाड़ी में भी आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलती है। और फ्यूल एवरेज के बारे में अगर बात की जाए तो ये गाड़ी भी आपको शहर में 20 से 22 किलोमीटर्स पर डीटर तक का एवरेज बहुत ही इजीली प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का भी फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक करें। अगली जो गाड़ी इस लिस्ट में मैंने शामिल की है वो है टोयोटा प्रीमियो। और इस गाड़ी का आप पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2010 या फिर 2012 तक वाला मॉडल खरीद सकते हैं, जिसमें आपको इंजन मिलेगा 1.5 लीटर वाला, यानी कि 1500 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि तकरीबन 110 हॉर्स पावर और 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो थोड़ा सा कम है, जो कि है 15 किलोमीटर्स पर लीटर तक शहर में। अगली जो लास्ट टोयोटा कंपनी की गाड़ी मैंने इस लिस्ट में शामिल की है वो है टोयोटा प्रियस एल्फा, जो कि नॉर्मल वाली प्रियस से थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है। अगर आप इसमें चाहें तो बिल्कुल लास्ट में एक और सीट फिक्स करवा सकते हैं, जिससे कि ये फिर 7 सीटर गाड़ी बन सकती है।
इस गाड़ी का आप पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2014 वाला मॉडल ख़रीद सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.8 लीटर का, यानी कि 1800 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये भी अवेलेबल है। ये भी एक हाइब्रिड गाड़ी है। तो ये इंजन तकरीबन 98 हॉर्स पावर और 142 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस गाड़ी में भी आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलती है। और इसके अलावा हाइब्रिड होने की वजह से गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है 20 से 22 किलोमीटर्स पर लीटर तक शहर में। अब दोस्तों, अगली इस लिस्ट में मैंने 3 होंडा कंपनी गाड़ियाँ शामिल की हैं, जिसमें सबसे पहले जो गाड़ी है उसका नाम है होंडा फिट हाइब्रिड। इस गाड़ी का आप आज पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2015 या फिर 2016 वाला मॉडल बहुत ही ईजिली ख़रीद सकते हैं। और ये भी एक हाइब्रिड गाड़ी है, जिसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, जो कि तकरीबन मोटर के साथ मिलकर 100 हॉर्स पावर और 118 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस इंजन के साथ आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। इसके अलावा हाइब्रिड होने की वजह से गाड़ी का फ्यूल एवरेज भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि है 22 से 24 किलोमीटर्स पर लीटर तक शहर में। अब अगली जो गाड़ी इस लिस्ट में शामिल की गई है वो है होंडा ग्रेस हाइब्रिड, जो कि बेसिकली होंडा सिटी की 7th जनरेशन है, लेकिन इसे जापान में होंडा ग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस गाड़ी का पाकिस्तानी मार्केट में 2014-15 वाला मॉडल इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर खरीद सकते हैं। और ये भी एक हाइब्रिड गाड़ी है। इस गाड़ी में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, जो कि तकरीबन 110 हॉर्स पावर और 134 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस इंजन के साथ आपको गाड़ी को चलाने के लिए 7-स्पीड CVT ट्रांसमिशन मिलती है पेडल शिफ्टर्स के साथ। इसके अलावा गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज है वो है 18 से 20 किलोमीटर्स पर लीटर तक। और दोस्तों, इस गाड़ी का भी मैं एक फुल रिव्यू बना चुका हूँ, अगर आप मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर क्लिक करें। अब दोस्तों, अगली और आज की आखिरी गाड़ी जो कि मैंने इस लिस्ट में शामिल की है वो है होंडा वेजल हाइब्रिड। इस गाड़ी का आप आज पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर 2014-15 वाला मॉडल बहुत ही ईजिली ख़रीद सकते हैं, जिसमें आपको 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इंजन मिलता है, जो कि तकरीबन 130 हॉर्स पावर और 155 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक प्रोड्यूस कर सकता है। और इस इंजन के साथ आपको गाड़ी को चलाने के लिए CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और ये गाड़ी आपको जो फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है वो है 14 से 18 किलोमीटर्स पर लीटर तक के अंदर अंदर। बाकी इससे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पर, जिस तरह से आप गाड़ी को चलाएंगे उसी तरह से आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज भी देगी। तो दोस्तों, बस यही थी आज की इस लिस्ट में शामिल की जाने वाली चंद जैपनीज़ गाड़ियाँ, जो कि आप 25 से 30 लाख रुपये तक के बजट के अंदर अंदर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगर इनमें से कोई गाड़ी खरीदनी हो तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे और क्यों। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो बस, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.